आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किशमिश के फायदे। किशमिश को हिकमत में एक मेवा नहीं बल्कि एक दवाई के तौर पे लिया जाता है। ये वीडियो इतनी की इम्पोर्टेंट है कि आप में से हर कोई इसे ज़रूर देखे। ये एक ऐसी वीडियो होने जा रही है जो आपकी ज़िंदगी के पूरे हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती है उनका ये सिर्फ एक वीडियो में हल दिया देने जा रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों किशमिश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी मेडिसन है जो अपने अंदर तमाम मसाइल का हल रखती है। किशमिश का जो मिजाज है वो गर्म और तर होता है। किशमिश पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती है। इसको कुदरती स्वीटनर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों खून की कमी अगर आपको है तो जस्ट किशमिश खाने लग जाएं, सिर्फ किशमिश के 10 दाने दूध के साथ खाने लग जाएं किसी भी वक्त, इंशाल्लाह आपको खून की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है। आजकल बहुत से इश्तिहार मैं देखता हूँ टीवी पे जो मुख्तलिफ एनर्जी ड्रिंक्स के होते हैं कि पी के इंसान में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। वो तो मुझे नहीं पता कि उनको पी के आती है कि नहीं आती, लेकिन ये मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप सिर्फ 12 दाने किशमिश के दूध के साथ दिन शुरू करने से पहले खा लो, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ताकत आएगी और वो भी अच्छी वाली ताकत जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। वो लोग किशमिश और दूध लाजमी इस्तेमाल करें जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, यानी मेहनत तलब काम करते हैं, यानी खिलाड़ी वगैरह या ऐसे लोग जो फील्ड में हार्ड वर्क करते हैं, वो आपको कभी आपकी एनर्जी को कम नहीं होने देगी। मैदे की तजाबियत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मैदे के मसाइल रहते हैं, आपका हाजमा ख़राब रहता है या दीगर मैदे से रिलेटेड मसाइल हैं, तजाबियत रहती है, सिर्फ एक किशमिश के इस्तेमाल से सिर्फ 7 से 10 दाने किशमिश खा लीजिए, मैदे की तजाबियत नहीं होगी। भूल जाएंगे कि मैदे की तजाबियत कभी होती थी, गैस नहीं होगी, आपको भूख नहीं लगती, किशमिश खाएं, इंशाल्लाह खाना खाने में आप सबसे घर में वो उस फर्द में शामिल हो जाएंगे जिसको सबसे ज़्यादा भूख लगती है और खाने का इंतज़ार रहता है। आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए महंगी महंगी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो भरपूर होती हैं साइड इफ़ेक्ट से, जस्ट दूध के साथ 7 दाने किशमिश खा लें, इंशाल्लाह बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा और आपको किसी किस्म की कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन के कैंसर से बचाती है। वो लोग जो धूप में जाते हैं, बेशक स्टूडेंट हों, आप ऑफिस जा रहे हैं या किसी और काम से, धूप में तो निकलना होता ही है, किशमिश आपको स्किन कैंसर से बचाती है। इसके अलावा ये ख़ासकर ख़वातीन गौर से सुने, अगर आप जवान बने रहना चाहते हैं तो आप किशमिश को लाजमी खाएं। किशमिश का डेली इस्तेमाल करने से आप इंशाल्लाह लंबे अरसे तक यंग रहेंगे। स्किन जो ये किशमिश है दोस्तों वो एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात का उसे हामिल है। ये आपकी स्किन को लटकने नहीं देती, ये आपकी स्किन को ढलने नहीं देती, झुर्रिया नहीं पड़ने देती। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। इसको खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारा कुव्वत मदाफियत मजबूत होती है मुख्तलिफ वायरसेस और बीमारियों और जरासीम के अगेंस्ट। आपको आसानी से कोई भी वायरस या जरासीम मार नहीं कर पाता। किडनी के लिए बहुत अच्छी है। वो लोग जिनको किडनी में दर्द रहता है, गुर्दे में दर्द रहता है, किशमिश को रात को भगो के रख दें। किशमिश के तकरीबन 12 से 20 दाने पानी में भगो के रख दें और वो पानी ढाम के अच्छी तरह रखें। सुबह वही पानी भी पी लेने आपने और किशमिश के जो 12 से 15-20 हमने दाने भगोए थे वो भी खा लेने हैं, इंशाल्लाह अगर पथरी होगी तो वो आप ही रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। दोस्तों बेहतरीन चीज़ है, ब्रेन पावर के लिए बहुत अच्छी है। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको किशमिश का इस्तेमाल लाजमी कराएं। किशमिश का इस्तेमाल, बेहतरीन किशमिश का इस्तेमाल होता है सुबह के टाइम, दोपहर के खाने से पहले पहले किशमिश खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा रात को भी खाई जा सकती है, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले किशमिश हर किसी इस्तेमाल मत करें। जैसा कि मैंने कहा ये ब्रेन पावर के लिए बहुत अच्छी है, जबकि ये सिर्फ ब्रेन पावर के लिए सिर्फ अच्छी नहीं, ये फिज़िकल पावर के लिए, ब्रेन पावर के लिए, मैन पावर के लिए, हर किस्म की जहाँ पावर लगता है उसके लिए आप किशमिश इस्तेमाल कर सकते हो। बेशक वो मर्दाना के लिए हो, बेशक वो ब्रेन पावर के लिए हो, बेहतरीन पावर सोर्स है। आप चाहते हैं आपके बाल घने हों, आपके बालों में शाइन आए,
वक्त से पहले बाल सफ़ेद ना हो, जस्ट किशमिश खाएं, इंशाल्लाह बाल किसी भी शैम्पू के इस्तेमाल किए बगैर इतने घने होंगे, उनकी थिकनेस होगी, कर्ल कर्ल नहीं पड़ेंगे, जो घुंघराले हो जाते हैं, लड़कियां बहुत परेशान होती हैं, बेजान हो जाते हैं, सिर्फ किशमिश इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बाल बेहतरीन होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शुगर के मरीज़ हर किशमिश इस्तेमाल मत करें। किशमिश एकदम जिस्म में एनर्जी लेवल बढ़ाती है, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा किशमिश का बाज़ लोग क्या करते हैं, किशमिश का बेजा इस्तेमाल करते हैं, वो भी नुकसानदेह हो सकता है। किशमिश एक दिन में एक साथ आप 25 से 30 दाने खा सकते हैं, इससे ज़्यादा दाने खाना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। दोस्तों किशमिश एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। मेरी एक और वीडियो थी जिसमें मैंने एक हकीम साहब का वाक्या बताया था, वो वाकया भी थोड़ा सा दोबारा रिपीट करूंगा और वो एक रेमेडी भी आपको किशमिश के हवाले से दूंगा। दोस्तों वो हकीम साहब थे जो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और उन्हें मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा वो वीडियो, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। उन्होंने एक गाड़ी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, हम जा रहे थे लाहौर से कहीं, तो उन्होंने अकेले, वो तकरीबन 70-80 साल के थे, उन्होंने धक्का लगा लिया था गाड़ी को। आप वो, मैंने जब उनसे राज पूछा कि आपकी ताकत का राज क्या है, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ 12 से 15 दाने किशमिश के सुबह नाश्ते में एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ लेता हूँ। तो ये बेहतरीन आपकी, आपको जवान रखेगा, आपको ताकतवर रखेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं किशमिश के हवाले से तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं लाजमी जवाब दूंगा। इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा।